हाँ, थाने पहुंच गया हूं मैं चिवड़ा। दोस्तों, आज मैं हमारी पारिवारिक मित्र अंजलि गर्ग जी के यहाँ हूँ, जिनकी ढोकली हमने पहले भी खाई थी। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और वार त्योहार पर तो घर में सारी चीजें बनती ही हैं, जैसे चिवड़ा है, बेसन चक्की है, गुजिया है, चकली है। तो जब भी मैंने इनके यहाँ पे ये चिवड़ा खाया ना, मुझे अलग सा फ्लेवर लगा और बाजार से अच्छा लगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा भाई ये रेसिपी मुझे आप बताइए। तो दोस्तों, चिवड़ा बन के तैयार है और अंजलि जी ने आज हमें ये रेसिपी बना के बताई है। तो आगे हम ये रेसिपी सीखने वाले हैं अंजलि से। तो सबसे पहले अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप इस दिवाली और क्या क्या बना रही हैं? चकली भी बनती है वैसे, ट्रेडिशनल सारी चीजें ही बनाई हाँ जाती है, मठरी, चकली, शक्करपारे और लड्डू, जो कि स्पेशल मेरे यहाँ सब पसंद करते हैं, तो मैं ड्राई फ्रूट लड्डू भी बनाती हूँ इसलिए दिवाली पे। तो आइए हम भी अंजलि जी की ये शानदार चिवड़ा रेसिपी सीख लेते हैं झटपट। थोड़ा सा और टेस्ट कर लूं मैं। बिल्कुल आपके लिए ही है। तो दोस्तों, चिवड़ा बनाने का सारा सामान देखिए यहाँ पे उपलब्ध है। तो आइए अंजलि जी से पूछते हैं उन्होंने क्या-क्या लिया है बनाने के लिए हमारा ये शानदार नमकीन चिवड़ा। इसमें पतला पोहा, इसे चिवड़ा पोहा भी बोला जाता है, अच्छा जो बिल्कुल ये, पतला होता है। आप देखेंगे ये बिल्कुल पतला पोहा है, और ये थोड़ा कुरकुरा हल्का, करा है मैंने इसको माइक्रो में रखकर, अच्छा माइक्रोवेव में आपने इसको, मैंने कुरकुरा कर लिया इसको थोड़ा, एक एक मिनट, डेढ़ डेढ़ मिनट करके इसको और अगर हम चाहें तो इसको उस पे भी कर उसमें सकते भी हैं, कर कढ़ाई सकते पे भी। हैं, पर उसमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, ओके, और ये इसलिए क्या हमने है? पहले ये थोड़ी परमले सिका हुआ पोहा, ये सिका हुआ पोहा है ये बाजार से ऑलरेडी, लिया ये आपने? बाजार से मिलता रेडी है? मिलता है बिल्कुल। चना दाल सिकी हुई है, ये मक्का पोहा है जिसे हमने तल के रखा है, कॉर्नफ्लेक्स, ये कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स। का चूड़ा बनाते हैं अलग से भी, पर थोड़ा इसमें भी मिलाते हैं शो के लिए। ये खोपरा, खोपरे की चिप्स, धनिया, धनिया, मीठा नीम, ये क्या है? मूंगफली तिल, दाना, थोड़ी सी तिल्ली है तिल अगर, होता हाँ इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है इसलिए थोड़ा सा डाल देना चाहिए, तो ये हमारे लिए, बच्चों के लिए, शरीर के लिए बहुत और अच्छा ठंड होता में है, अच्छा रहता है ठंड ये। में अच्छा रहता है। इसके साथ साथ ये पीनट लिया है, मखाने, काजू, काजू, किशमिश, किशमिश, अमचूर, हरी मिर्च, हल्दी, जीरा, मिर्च, राई, नमक। ये नमक नॉर्मल नमक है नॉर्मल नमक, शक्कर पीसी हुई, ये? खसखस के अच्छा, ये दाने, दो नमक है कि ये ये मैदा टाटरी है, टाटरी खटास जो होती है, तो हाँ ये ये साइट्रिक टाटरी? एसिड है, अच्छा और अच्छा ये थोड़े खसखस के दाने हैं। तो चलें शुरू करें बिल्कुल फिर। शुरू कर सकते हैं, चलिए, आइए। तो मूंगफली ये कढ़ाई चढ़ा लिए, काफी बड़ी कढ़ाई ली है। और ये कौन सा तेल का, है? मूंगफली ग्राउंडनट ऑयल डाल रहा है। ओके, तो गुण हमारी मदद के लिए रेडी हैं और सारा सामान लेके आ रही हैं। तेल देखिए गरम, बहुत ज्यादा गरम करना है क्या? राई जीरा तड़के उतना तो गरम करना ही बस पड़ता ठीक है, है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तेल गरम हो गया है तो राई सबसे पहले जाएगी, जीरा, ये क्या है, थोड़ी सी तिल्ली, तिल दाना, हरी मिर्च, हरी मिर्च, मीठी पत्ती गई इसके अंदर, धनिया बिल्कुल हरा हरा, इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि इन्हें हमें थोड़ा कुरकुरा करना पड़ता है हाँ, इसलिए। तो ये तो उसका टेस्ट कराएगा फिर उसमें ना। आपको आता है कि नहीं बनाने के लिए? सीख लो फिर, नहीं मैं भी सीख ही रहा चलो हूं। सीख लो। अब हम थोड़े पीनट डालेंगे क्योंकि पीनट को सबसे हाँ, ज्यादा टाइम लगता है होने में, इसलिए पीनट डालेंगे। इसे भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख रहे हैं मूंगफली सिक रही है। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले ही पोहा मूंगफली को माइक्रो कर लिया था, माइक्रोवेव में पहले ही थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लिया था, उससे समय यहाँ पे बच रहा है। तो आप इस तरह की प्रिपरेशन अगर ये करें तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी बनेगी हमारी चीज और बढ़िया बनेगी। अब क्या, सिक्की चना दाल मिक्स करेंगे, ओ, ये भी आपने सेक लिया था? ये बाजार में सिक्की हुई मिलती है, पर अच्छा मैंने अच्छा हर चीज को ओके माइक्रो किया है। ओके, अब हम थोड़े मसाले इंसर्ट करेंगे जिससे थोड़ा इसमें भी आ जाए साथ में। तो ये हल्दी जा रही है दोस्तों इसके अंदर, हल्दी का बड़ा इम्पोर्टेंट
रोल रहता है चिवड़े में, अच्छा कलर आना चाहिए। ये क्या है? नमक। नमक गया इसके अंदर। थोड़े खसखस के दाने। खसखस के दाने। थोड़ी मिर्ची, थोड़ी बिल्कुल, क्योंकि हम हरी मिर्ची डाल चुके हैं। बहुत बढ़िया। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे नारियल, इसे हमें कम सेकना है। ये कोकोनट जो सूखा है वो है ना? हाँ। ये चीजें मेरे ख्याल से हर घर में बनती हैं ये, मगर सबका टेस्ट अलग अलग आता मैंने देखा। आपके हाथ का एक बड़ा बढ़िया टेस्ट है, इसलिए आज हमारे दर्शकों को हम चाह रहे हैं कि आपकी ये वाली रेसिपी मैं तो सीखूं ही, साथ में दूसरे भी हमारे वार त्योहार पे बनाए, चाहे दिवाली हो, होली हो या कोई और त्योहार हो। इसे भी देखिए, सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अंजलि जी ने। थोड़े काजू डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया हल्दी से, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हेल्दी मखाने गए, मखाने बहुत हेल्दी होते हैं। इसे भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से सारी चीजें भुन गई है। अब ये क्या है? ये थोड़ा खटाई के लिए हम अमचूर और थोड़ी सी टाटरी डालेंगे, क्योंकि अमचूर से डार्क हो जाता है कलर। तो अच्छा। हमने थोड़ी टाटरी और थोड़ा अमचूर यूज किया है। बहुत बढ़िया। इसे साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। ओके। इसमें हम लहसुन प्याज नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा दिवाली के लिए बन रहा है। तो लहसुन प्याज अगर आप चाहें तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों ये पोहा, जो पहले ही माइक्रोवेव में थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ था। तो धीमे आंच पे हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स पोहा डालने के बाद। और ये देखिए क्या बढ़िया सी रंगत आना शुरू हो गई है इसके अंदर। दोनों हाथों से अंजलि जी लगी हुई हैं, क्या बात। बहुत अच्छे से ये हो चुका है मिक्स। तो अब ये क्या डल रहा है? अब इसमें हम सिका पोहा डालेंगे, इससे और अच्छा क्रंच आएगा इसमें। बिल्कुल। तो दो तरह के पोहे डले हैं, याद रखना है। थोड़ी सी लुक के लिए परमल डाल रहे हैं। और ये पीछे ढकढुक शुरू हो चुका, कुछ काम चल रहा है घर में। तो देखिए सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हैं अंजलि जी, और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया है। तो अब रह गया है शक्कर डालना। तो ये शक्कर के बूरे को हम डाल रहे हैं, याद रखिए यहाँ पे खड़ी शक्कर नहीं डालना है, बूरा ही डालना है। तो शक्कर डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए अब बहुत बढ़िया रंगत आ चुकी है। अब ये इसमें क्या डाल रहा है? इसमें थोड़ी किशमिश डालेंगे। तो ये किशमिश अब गई इसके अंदर दोस्तों। वाह 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 वाह, क्या बात है, बिल्कुल बाजार से भी अब अच्छा सा लुक आ गया है इसका। और बस अब जल्दी खाने को मिल जाए। लगभग हमारा चिवड़ा बन के तैयार है, या कुछ और भी बचा है? ये क्या है? तो ये दोस्तों अब कॉर्न डल रहे हैं इसमें, कॉर्नफ्लेक्स। और कॉर्नफ्लेक्स डालने से पहले इसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च मिक्स कर दिया, ताकि इसमें भी अपना एक स्वाद आ गया। ये देखिए, ये सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, आप प्लेन भी डाल सकते थे, मगर इन्होंने थोड़ा सा इसको भी फ्लेवरफुल कर दिया है। तो दोस्तों हमारा चिवड़ा बन के तैयार है। अंजलि जी ने बहुत मेहनत की हमारे लिए और हमें ये रेसिपी सिखाई। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल बाजार में जैसे हलवाई या किसी स्वीट शॉप पे चिवड़ा रखा होता है वैसा लुक आ गया है इसका, क्या बात है। तो दोस्तों आप भी चिवड़े की रेसिपी इस तरह से एक बार बना के देखिए। आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वार त्यौहार अपने जनों के साथ, परिवारजन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, स्वाद के साथ मनाने का मज़ा ही कुछ और है। अंजलि गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी बढ़िया रेसिपी हमसे शेयर की। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को दिवाली की राम राम।